हेलो बच्चों, लिक्विड सॉल्यूशंस का के चैप्टर में कल हमने देखा कि जो वेपर प्रेशर है किसी सॉल्यूशन का, ठीक है, वो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। और जो वो मोल फ्रैक्शन था वो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस के वजह से ही होगा। अगर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन था तो सिर्फ और सिर्फ जो लिक्विड वाला पार्ट था, विच वाज़ द वॉलेटाइल पार्ट, उसकी वजह से वेपर प्रेशर था। और जो सेकंड केस था जिसमें वॉलेटाइल सॉल्यूट था, उस वाले केस में द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वाज इक्वल टू द, बेसिकली इट वाज मेड अप ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज दैट ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो वो हमने देखा, उसका जो लॉ था जिसके थ्रू हमने उसको देखा, दैट वाज राउल्ट्स लॉ, ठीक। तो राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल टू लिक्विड्स। नाउ लेट्स, अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो तुम्हारा लिक्विड है ना, ए और बी, उसमें सॉल्यूशन बन चुका है, अगर वो वेपराइज होता है तो तब क्या होगा, ठीक है। उस जो वेपर्स बने, अब वहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी क्या होगा, ठीक है। तो उसे समझते हैं अभी। लेट्स से वी हैव, ओके, लेट्स से वी हैव अ कंटेनर लाइक दिस, ठीक है जी। इसमें हमने ए और बी ए प्लस बी एक सॉल्यूशन बना रखा, ठीक है जी। अच्छा, और ये वाला जो पार्ट है जो इधर ऊपर है, लाइन के ऊपर है, दैट इज दी वेपर फेज। ये वाला पार्ट क्या है, दिस इज द लिक्विड फेज, ठीक है। तो यहां पे अगर तुम देखो तो यहां पे तुम्हें इस तरीके से तुम्हें ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी इस तरीके से इसके सरफेस के ऊपर तुम्हें ए और बी के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि मैंने पहले भी ये कहा था कि जो ए है उसे मैं सॉल्वेंट अज्यूम कर रहा हूं और जो बी है उसे सॉल्यूट अज्यूम कर रहा हूं, और दूसरी चीज जो मैंने बोली थी वो ये थी कि ए का वेपर प्रेशर, आई एम जस्ट अज्यूमिंग वन ऑफ देम विल हैव टू हैव हायर वेपर प्रेशर, है ना, दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते। तो दोनों को जो वेपर प्रेशर है वो हाई अज्यूम किया है, ठीक है जी। तो उसे मैं दिखाने का तरीका मैंने बताया था तुम्हें, एक बड़ा एरो, इसका छोटा एरो, इसका बड़ा एरो, छोटा एरो, बड़ा एरो, छोटा, बड़ा, छोटा, बड़ा एंड छोटा। तो आई एम जस्ट गिविंग यू कि अगर यहां पर ए और बी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और दोनों के पास ये स्पेस है ऑक्यूपाई करने के लिए, ठीक, क्योंकि ए का वेपर प्रेशर अगर ज्यादा है ना, एक ही टेम्परेचर पर अगर दोनों में से ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा वॉलेटाइल है, ठीक है, तब क्या होगा, तब ये होगा कि ए के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी यहां पे प्रेजेंट होंगे और बी के मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी यहां पे प्रेजेंट होंगे, लेकिन ए के मॉलिक्यूल्स इन कंपेरिजन टू बी या इन कंपैरिजन टू देयर मोल फ्रैक्शन इन दिस सॉल्यूशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो मतलब यू समझो, अगर मैं कहता हूं कि इसमें एक्स ए और एक्स बी मोल फ्रैक्शन है ए और बी का, ठीक है, एक्स ए और एक्स बी इसमें मोल फ्रैक्शन है ए और बी का, तो यहां पर जो ए का मोल फ्रैक्शन आएगा, ठीक है, दैट विल बी हायर देन दैट ऑफ एक्स ए, ठीक है। तो क्लियर होगी बात, समझ में आया, ये बात समझ में आई, दोबारा बता रहा हूं। एक सॉल्यूशन लिया हमने ए और बी, ठीक है, उसमें हमने दो वॉलेटाइल सॉल्यूशंस बेस, दो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स हमने उसमें मिला रखे हैं, उनमें से एक का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू दी अदर वन, ठीक, एक्स ए एक्स बी उसका मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पे तक तो ये सॉल्यूशन का पार्ट हो गया। अब अगर वेपर फेज की बात करें तो वेपर फेज में ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, लेकिन ए के मॉलिक्यूल्स जो कि यहां पे या जो मोल फ्रैक्शन ए का यहां था इस सॉल्यूशन में लिक्विड फेज में, उससे ज्यादा ए का
मोल फ्रैक्शन ऊपर हो चुका होगा क्योंकि एक ही इवेपोरेट होने की या वेपराइज होने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ बी. ठीक, क्लियर होगी बात. तो ए के मॉलिक्यूल्स वहां पे ज्यादा होंगे, तो इसको लिख लो. ठीक, इसमें लिखो द मोर वॉलेटाइल सब्सटेंस, द मोर वॉलेटाइल सब्सटेंस इन दिस केस ए, द मोर वॉलेटाइल सब्सटेंस ए विल हैव हायर, विल हैव हायर रिलेटिव नंबर ऑफ, विल हैव higher relative number of molecules in the vapor phase, higher relative number of molecules in the vapor phase than in the liquid phase, than in the liquid phase. मतलब हम यहाँ ए बी का comparison नहीं कर रहे हैं. ठीक है, जरूरी नहीं है ना कि ए ज्यादा ही हो, क्योंकि अगर बी तुमने बहुत ज्यादा डाला हुआ है यहाँ पे, हालांकि ए अगर बढ़ भी जाता है तो भी जरूरी नहीं है कि ए बी के मोल फ्रैक्शन से ज्यादा आए, लेकिन इतना जरूर है कि अगर ए का मोल फ्रैक्शन एक से है तो यहां पर जो वेपर में मोल फ्रैक्शन होगा ए का वो डेफिनेटली एक से ज्यादा होगा. क्लियर होगी बात. अच्छा, लेट्स से इन वेपर्स को, लाइक नाउ व्हाट आई डू इज बेसिकली आई ट्रांसफर समहाउ, आई ट्रांसफर दीज इनटू अ इनटू अनदर कंटेनर. ठीक है, तो लेट्स से इस तरीके से मैंने इसको हमारे पास एक और कंटेनर है. ठीक है, हमने क्या किया यहां पर इस तरीके से. ठीक है, तो एक और इधर पे एक कंडेंसर लगाया हुआ है. मैंने एक कंडेंसर लगाया हुआ है. ठीक है, कंडेंसर क्या होता है, जो कि कंडेंस करता है, मतलब तुम्हारे पास वेपर्स होंगे तो उनको कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा. तो दिस इज अ कंडेंसर. ठीक है, ये वेपर. ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें अब तुम यहां पर भी इनको कंडेंस करके लेके आए हो तो यहां पर भी तुम्हारे पास एक सोल्यूशन मिल जाएगा. इस सोल्यूशन में भी ए इस तरीके से ए बी ए बी होगा. ठीक है, तो और यहां पर तुम्हारा लिक्विड फेज बन चुका होगा. ठीक, क्लियर है. तो ए जो कि सॉल्यूशन में था, लिक्विड फेज में था, उससे ज्यादा मोल फ्रैक्शन ए का वेपर फेज में आ चुका है. अब यही वेपर्स यहां आए हैं तो जो यहां पे मोल फ्रैक्शन रहा होगा इनका, वही मोल फ्रैक्शन तो यहां पे आएगा. आया ना, वही मोल फ्रैक्शन तो यहां आएगा. ठीक है, अब तुम देखो कि जब हमने इसका एक सोल्यूशन बना लिया है तो ये मोल फ्रैक्शन इससे डिफरेंट होगा. इसमें ए का मोल फ्रैक्शन इसके ए के मोल फ्रैक्शन से ज्यादा होगा. इसको भी इवेपोरेट करो तो ये इसमें फिर क्या होगा, ए की वृद्धि हो जाएगी ना फिर से. ए इस वेपर में जो यहां पर बनेंगे, अब ए का वेपर प्रेशर, सॉरी ए का मोल फ्रैक्शन as compared to mole fraction in this solution will be even higher. आया ना, तो तुम इस तरीके से अगर ऐसे ही इसको step wise evaporate condensate evaporate condensate evaporate condensate करते चले जाओ तो एक point पे ऐसा हो सकता है कि तुम्हें A जो है वो एकदम pure form में मिल जाए. ऐसा हो सकता है कि तुम्हें A जो है वो एकदम pure form में मिल जाए. ठीक है, तो ये जो process है इसे fractional distillation कहते हैं, इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं. और इसके बारे में हम अभी जो डिस्कस करने वाले हैं उसके नेक्स्ट में जाके थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे इसमें. अभी जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं वो कॉन्सेप्ट है बेसिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट्स इन द वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स ए एंड बी इन द वेपर फेज. तो समझ में आया, यहां पर जो वॉलेटाइल लिक्विड्स थे उन्होंने अपना वेपर बनाया, वेपर्स को हमने कंडेंस किया, कंडेंस करके फिर हमने इसको वेपराइज किया. ठीक, तो यहां से यहां पे जाने में ए की वृद्धि हो गई, ए का मोल फ्रैक्शन कंपैरेटिवली लिक्विड फेज से ज्यादा हो गया, फिर उसको यहां पे कंडेंस किया
अभी जो वेपर्स बने हैं उनमें ए का वेपर ए का मोल फ्रैक्शन और भी ज्यादा होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो लिख लो इसको, नाउ इफ वी कंडेंस, मैं लिखवा रहा हूं, लिख लो, नाउ इफ वी कंडेंस दीज वेपर्स वी गेट अ न्यू सोल्यूशन इन विच द मोल्स ऑफ ए विल बी हायर देन दोज ऑफ द ओरिजिनल सोल्यूशन, देन दोज ऑफ द ओरिजिनल सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन दिस प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स, व्हेन दिस प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स ए कैन बी फाउंड और ए कैन बी प्रोड्यूस्ड इन प्योर फॉर्म इन द लास्ट या इन द हाँ इन द लास्ट सॉल्यूशन या इन द लास्ट वेपर्स, ठीक है। उसको हम ऐसे कंडेंसेट कहते हैं, इन द लास्ट कंडेंसेट, ठीक है जी। एंड बी कैन बी फाउंड टू बी प्योरर इन द लिक्विड पार्ट या लिक्विड फेज। भाई देखो, अगर तुम ए का इस यहां पे तुमने वेपराइज किया तो ए की कॉन्सेंट्रेशन यहां ज्यादा होगी, मतलब ए के जो वेपर्स थे या ए के जो मॉलिक्यूल्स थे लिक्विड फेज में वो ज्यादा यहां चले गए, तो यहां पे क्या होगा, ए के मॉलिक्यूल्स की कमी हो जाएगी ना। तो एक तरीके से तुम देखोगे कि बी के मॉलिक्यूल्स बढ़ गए हैं, तो यहां पे बी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका मोल फ्रैक्शन कंपैरेटिवली बढ़ चुका होगा। सेम वे हियर, यहां पे भी ए के मॉलिक्यूल ज्यादा ऊपर जाएंगे, बी के कम जाएंगे, तो बी का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में बढ़ता चला जाएगा। तो अगर ये पूरा प्रोसेस हम रिपीट करते जा रहे हैं तो वेपर्स में तो ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है और लिक्विड फेज में बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दिस प्रोसेस विल बी यूज्ड एनीवेयर वेयर यू नीड टू सेपरेट टू वोलेटाइल, टू और मोर देन टू वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है। ये लिख लेना इस लाइन को। और दूसरी लाइन जो लिखनी है वो है कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो ये है कि इसमें जो वेपर फेज में ए और बी का मोल फ्रैक्शन है उसे कैसे निकाला जाए। तो लेट्स से कि चलो ठीक है, इसको मिटा देता हूं। लेट्स से कि वेपर फेज में ए के मोल्स जो है वो वाई ए से रिप्रेजेंट हो रहे हैं और बी के मोल्स जो है वो वाई बी से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। ए की अगर हम बात करते हैं तो वाई क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, और वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, ठीक है। यहां पे एक्स ए क्या है, इस तरीके से लिख लेते हैं, एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, ठीक है। और यहां पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज, ठीक है। लेट्स से कि हमारे पास ये कंडीशन है कि ए और बी का एक सोल्यूशन हमने बनाया हुआ है, यहां पे वेपर्स और जो लिक्विड है ऑलरेडी एक इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, यहां पे वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो चुका है, ओ और बी की कांस्टेंट जो कॉन्सेंट्रेशन या मोल फ्रैक्शन है वो भी कॉन्सेंट हो चुके हैं, ए का मोल फ्रैक्शन इन दी वेपर फेज वाई ए है, बी का मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज वाई बी है, ए का मोल फ्रैक्शन इन दी लिक्विड फेज एक्स ए है, बी का मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज एक्स बी है। लेट्स से कि पी नॉट ए एंड पी नॉट बी आर दी वेपर प्रेशर ऑफ पी और लिक्विड ए एंड बी, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि ये हमेशा दिए होते हैं, ठीक है, ये यूजली दिए होंगे, कभी भी डिस्कशन में बहुत रेयर होता है कि इसमें इनके बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि ये तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते, यू समझो कि ये दिस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ठीक है। तो तुम अपने आप से जान नहीं सकते, यू कैन नॉट नो इट बाय सम इंट्यूशन, ठीक है, या तो कैलकुलेट करने को दिया होगा या फिर क्वेश्चन में दिया ही होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास है। अब ये वाला जो पार्ट है ठीक है, ये वाला पार्ट तुम्हारा वेपर्स का हो गया और ये वाला लिक्विड का हो गया,
ठीक है। अब हमें डिटरमिन करना है ठीक है किस तरीके से, सॉरी जो वाई है वो क्या होगा और वाई भी जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो बिफोर आई मेंशन लाइक बिफोर आई मूव फर्दर, ये चीज मैं सिर्फ इसी में क्यों बता रहा हूं, यहां पे अगर हम देखें तो डिटरमिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज किसके किस सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है, उस सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है जिसमें सॉल्यूट इज ऑल्सो वोलेटाइल, जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा। अगर मान लो बी नॉन वोलेटाइल होता तो बी के तो वेपर्स ही नहीं होते इसमें, ठीक है। तो वेपर्स जो वेपर फेज में जो वेपर्स होते वो सिर्फ ए के होते, तो एक्स वाई ए जो होता है इक्वल टू वन होता और वाई बी जो होता है इक्वल टू जीरो हो जाता, तो वहां हमें इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, वाई ए और वाई बी को कैलकुलेट करना, तो उसका एक प्रोसेस है, ठीक है, उसका एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस अभी लिखते हैं। सबसे पहले चीज जो जानने वाली है, फर्स्ट थिंग इज दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज इज नोन बाय या इज कैलकुलेटेड वाई ए एंड वाई बी आर कैलकुलेटेड यूजिंग डाल्टन्स लॉ, ठीक है। तो डाल्टन्स लॉ कुछ कुछ लोगों को याद होगा, कुछ कुछ लोगों को याद नहीं होगा, वो भी बताएंगे। और जो राउल्ट्स लॉ है, राउल्ट्स लॉ जो है दैट इज कैलकुलेट दैट इज यूज्ड फॉर लिक्विड फेज, ये ध्यान रखना है, ये गैसेस फेज के लिए नहीं होगा और डाल्टन्स लॉ हमेशा वेपर फेज के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या होगा, जो प्रोसेस है, प्रोसीजर समझ लो इसको, किस तरीके से डिटरमिन करोगे, प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट प्रोसेस इज, फर्स्ट स्टेप इज यूज कैलकुलेट टोटल प्रेशर पी, है ना, टोटल प्रेशर पी यूजिंग राउल्ट्स लॉ, ठीक है जी। तो ये वाला जो लिक्विड फेज है हम इस पे क्या यूज कर रहे हैं, राउल्ट्स लॉ, ठीक है। तो पी विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, हम इसको लिख सकते हैं पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, है ना, ये क्लियर है, ठीक है। तो पहले आपने पी कैलकुलेट कर लेना यूजिंग राउल्ट्स लॉ। सेकेंड स्टेप है, अब डाल्टन्स लॉ तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। डाल्टन्स लॉ क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन दैट मिक्सचर इनटू द टोटल प्रेशर, ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर किसका, लेट्स से ए का, भाई यहां पे एक मिक्सचर है गैसेस का या वेपर्स का, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, कोई सा भी हो सकता है, ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ वेपर्स और गैसेस मिक्सचर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन वेपर्स इंटू टोटल प्रेशर, ठीक है जी, ये क्लियर हुआ। अब इसमें क्या करना है, हमें यहां से वैल्यूज उठा के डालनी है, कैसे डालेंगे, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कॉम्पोनेंट ऑफ वेपर, पार्शियल प्रेशर कौन सा है इसमें, पार्शियल प्रेशर एक अगर मैं लेता हूं तो फॉर ए पार्शियल प्रेशर क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन वेपर्स, दैट मीन इट इज टॉकिंग अबाउट वाई ए, ठीक है, और टोटल प्रेशर इज पी इंटू पी, क्लियर है भाई। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, पी नॉट ए एक्स ए इक्वल टू वाई ए इंटू पी, तो मैं यहां लिख सकता हूं दैट वाई, सॉरी
xa equals to ya p upon p naught a. ठीक है जी, आर वी क्लियर अबाउट दिस? तो ये सेकेंड स्टेप का फर्स्ट पार्ट हो गया, ये मिटा रहा हूं मैं, पॉज करके इसको लिखते रहना, ठीक है, ये मिटा रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं हमको। इसी तरीके से अगर मैं बी के लिए लिखूं, फॉर बी पी बी इक्वल टू क्या होगा भाई, पी बी विल बी इक्वल टू वाई बी इंटू पी, तो पी नॉट बी एक्स बी इक्वल टू वाई बी इंटू पी, तो एक्स बी विल बी इक्वल टू वाई बी इंटू पी अपॉन पी नॉट बी। ठीक है जी, अब तुमने एक्स ए और एक्स बी को वाई और वाई बी के टर्म्स में निकाल दिया है, ये फॉर्मूले तुम्हारे यूजफुल होंगे, ठीक है, अगर तुम्हारे पास ये इंफॉर्मेशन है पी और पी ए नॉट की, तो तुम एक्स ए और वाई में रिलेशनशिप निकाल सकते हो, सेम वे एक्स बी और वाई बी में रिलेशनशिप निकाल सकते हो। लेकिन एक तीसरा रिलेशन है विच इज डिराइव्ड यूजिंग दिस, देखो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू वन होता है, तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, क्या आएगा यहाँ पे, इसको लिख लो वन, इसको लिख लो टू, तो देयरफॉर वन प्लस टू इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वाई ए पी अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी इंटू पी अपॉन पी नॉट बी। हम इसको लिख सकते हैं वन इज इक्वल टू वाई ए पी अपॉन, या फिर इसको यूं समझो ऐसे कर सकते हैं, इसको इक्वल टू वन आ जाएगा क्योंकि ये तो वन है, ठीक है। अब पी इसमें कॉमन है तो पी को नीचे ले जाओ, हम यहां लिख सकते हैं वन बाय पी इज इक्वल टू वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी, ठीक है, तो सिंपल इनफ। तो दिस इज योर थर्ड रिलेशनशिप जिसमें एक्स ए और एक्स बी का कोई रोल नहीं है, अगर हमारे पास पी नॉट ए पी नॉट बी जो कि हमें दिए ही होंगे, और अगर हमारे पास किसी तरीके से टोटल प्रेशर दिया है, तो हम वाई और वाई बी के बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं वाई बी को 1 माइनस वाई ए रख दूं, क्योंकि जैसे एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 है, वैसी वाई ए प्लस वाई बी इज ऑल्सो इक्वल टू 1, ठीक है, तो हम यहां से y भी निकाल सकते हैं, हम यहां से y भी निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर होगी बात, ठीक है जी। तो ये तुम्हारा इसका डेरिवेशन हो गया, गॉट इट। ठीक है, इसको तब तक नोट करो। इस पे कुछ ना क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, कुछ ऐसा है नहीं इसमें ना समझने वाला, और इंटेलिजेंट तो मोहित, ठीक है जी। क्वेश्चन करता है इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, ठीक है, ठीक है, अगर मान लो तुम्हें y a और y b दिया हुआ हो, ठीक है, तो तुम्हें टोटल प्रेशर अगर कैलकुलेट करना हो तो भी वो फॉर्मूला यूज हो सकता था, ठीक। तो कभी कभी क्या होता है कि x से x भी दिया होता है और y y भी पूछा होता है, तो हमने जो अभी फॉर्मूला निकाले थे उससे वो काम हो गया, लेकिन जो लास्ट फॉर्मूला मैंने लिखा था उसमें क्या है, वो कब यूज होगा ज्यादातर, जब y a और y b दे देगा और x से x भी पूछ लेगा, तो उल्टा रिवर्स क्वेश्चन आ जाए तो वो काफी यूजफुल है, ठीक है। तो अच्छा जी, पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसमें आगे और क्या निकल जाएगा। तो हमारे पास सिंपल सा है, एक सोल्यूशन है ए प्लस बी, ठीक है, P नॉट A दिया है 100,
पी नॉट बी दिया है 150, एन ए दिया है 2 और एन बी दिया है 3, ठीक है। तो बस इसमें हमसे डायरेक्टली पूछ रहा है वाई ए एंड वाई बी, वाई ए एंड वाई बी को कैलकुलेट करो, दैट इज द क्वेश्चन, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। यही हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो क्या करोगे भाई इसमें, इसमें क्या करोगे, सिंपल सा है, सब स्टेप जैसे हमने बोले, फर्स्ट स्टेप में क्या था भाई, पी कैलकुलेट करना था, तो पी क्या था, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, बिना पी नॉट कैलकुलेट करे तो काम हो गया ही नहीं, तो पी नॉट ए कितना है 100 इंटू एक्स ए कितना है भाई 2 अपॉन 2 प्लस 3, ठीक है, तो 2/5 आ जाएगा प्लस कितना है ये 150 है और ये कितना हो गया 3/5 आ जाएगा, ये कितना हो गया 40 और ये कितना हो गया 30, 90 आएगा 130। तो एक चीज तुमने देख ली कि 130 आया तो इन दोनों के बीच में आया, हमेशा ऑब्जर्व करना है, ठीक है, इन दोनों के बीच में ही आएगा, टोटल प्रेशर हमेशा इन दोनों लिमिट्स के बीच में ही आएगा, वो जो कि यहाँ पे ट्रू है। अच्छा तो y इक्वल टू क्या होगा, y ए विल बी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी, विच इज पी नॉट ए कितना है भाई 100 इंटू एक्स ए सॉरी 2/5 अपॉन टोटल कितना है 130, कितना हुआ ये 40 अपॉन 13 4/13, ठीक है। तो अच्छा तो y भी कितना हो जाएगा, y भी कितना हो जाएगा, y भी will be equal to 1-4/13 9/13, ठीक है। तो सिंपल तुमने इस तरीके से निकाल दिया, ये तुम्हारे पास कुछ कैलकुलेशन आ गई है, ठीक, ये तो एक तरीका हो गया तुम्हारे पास। इसमें तुमने P को कैलकुलेट किया, अगर मान लो मैं कहूं कि P को कैलकुलेट ना करके तुम इसे निकाल सको तो वो निंजा टेक्निक तुमको सिखाता है, ठीक है। तो कैसे करोगे उसको, इसको मिटा रहा हूं मैं, उसको कैसे करोगे, वो निंजा टेक्निक में क्या है, तुमको ये स्टेप, ये स्टेप स्किप कर सकते हो, क्या कर सकते हो इसमें, नॉट दिस वन, देखो भाई वाई ए इक्वल टू क्या होता है P नॉट ए एक्स ए अपॉन पी, ठीक है, एंड वाई बी विल बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी, ये आएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आएगा यहाँ पे वाई ए अपॉन वाई बी, यहाँ पे बहुत बेसिक चीजें यूज होंगी, वो शायद मैंने कभी मेंशन ना किया हो लेकिन आज मेंशन कर रहा हूं और आगे हमेशा याद होनी चाहिए फॉर स्मार्टर कैलकुलेशन। सी जेई का एग्जाम देना है, नीट का, कोई सी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है, उसमें एक एज जो तुम्हें दूसरों के ऊपर चाहिए वो डेफिनेटली नॉलेज है, बिना नॉलेज के लिए तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो नॉलेज के लिए तो डेफिनेटली मैं क्या बुक्स हैं, बहुत सारा कुछ है, ठीक है, लेकिन ट्रिक्स जो है, या इनफैक्ट यू समझो कि नॉलेज मैं दे सकता हूँ, ठीक है, नॉलेज को तुम प्रैक्टिस से भी गेन कर सकते हो, लेकिन जो स्किल है, जो कैलकुलेशन है, जहां पर तुम्हें स्मार्ट वर्क करना है, वो मैं नहीं दे सकता तुमको, मैं ठीक है मैं चीजें सिखा सकता हूँ, डेफिनेटली आई कैन डू दैट, लेकिन उसमें मेहनत तुम्हारी ज्यादा होगी, यू विल ऑल्सो हैव टू सी अ लॉट ऑफ, आई मीन अ लॉट ऑफ स्मार्टर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, ठीक है, द मोमेंट यू आर एबल टू, या चलते चलते जैसे तुम वो कर पाओगे उतना ही अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि 3 घंटे सभी को मिलते हैं, ठीक है, हर एक उतना नहीं कर पाता जितना जिनका सिलेक्शन होता है वो कर पाते हैं, ठीक है, तो यू हैव टू गेट, इफ यू वांट टू गेट सिलेक्टेड यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स। तो यहाँ पे तुमने देखा वाई अपॉन वाई, मैंने यहाँ लिख दिया पी से, तो पी कट जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट बी एक्स बी। अब ये ध्यान रखना, कभी भी अगर मैं एक्स ए अपॉन एक्स बी करता हूँ दैट ऑलवेज कम्स आउट टू बी इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, ये ध्यान रखना, या अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, कितना समझ में आएगा ये कैसे है, क्योंकि इसको अगर तुम लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी दोनों ऊपर से नीचे से कट जाएगा, ये ध्यान रहेगा। तो तुम इसको लिख सकते हो यहाँ पे पी नॉट ए एन ए
अपॉन पी नॉट बी एन बी, बस हो गया, ये इंफॉर्मेशन ये तो दी है, हो जाएगा ये। तो वाई ए अपॉन वाई बी क्या आएगा, ये यहाँ पे पी नॉट ए कितना है 100 इंटू टू अपॉन 150 इंटू एन बी कितना है भाई 3, कितना आ गए 200 अपॉन, एक मिनट, 2 और ये कितना हो गया 3, ठीक है, तो ये कितना जाएगा 4/9 आ जाएगा ये, ठीक है। अब y y a अपॉन y b अगर 4/9 या फिर मोल फ्रैक्शंस का रेशियो तुम्हें कभी दिया हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, जैसे इसमें अगर तुम्हें y a निकालना होगा ना, तुम्हें क्या करना होगा, इसका न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 4/13, क्या ऊपर से मैच कर रहा है जो हमने पहले किया था, यस yes. अच्छा y b क्या होगा, y b क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर को लिखो ऊपर अपॉन 4/9 विच इज न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर विच इज 9/13, ठीक है, ये तुम्हें करना होगा। तो विदाउट इवन कैलकुलेटिंग दोस थिंग्स यू हैव डन दिस, और इसमें बहुत समय नहीं लगा होगा, तो यू माइट हैव सेव्ड 10-20 सेकंड्स, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यूज जो है मैंने बहुत सिंपल दी थी, अगर कभी वैल्यूज थोड़ी सी डिफिकल्ट आ जाए या कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाए तो तुम अटक सकते हो, तुम फिर देर इज अ बिगर चांस दैट यू मेक अ मिस्टेक, ठीक है। सो यू हैव टू अवॉइड लार्जर कैलकुलेशन एंड यू हैव टू अवॉइड योर मिस्टेक्स, ठीक है, क्योंकि एक मिस्टेक हुआ तो मतलब 5 नंबर कम, 5 नंबर कम का मतलब कम से कम तुम 1000 रैंक तो कम मानो ही मानो, तुम्हारी 1000 रैंक पीछे आ जाएगी, ठीक है। और अगर तुम बहुत पीछे ऑलरेडी हो तो 10,000 रैंक भी मान सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। इसमें क्या है, मोल रेशियो, इसमें मोल रेशियो मांग रहा है, क्वेश्चन क्या है, मोल रेशियो ऑफ, ठीक है, मोल रेशियो ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन, ठीक है, कहां पर, इन द वेपर फेज, इन द वेपर फेज, ठीक है, मोलर रेशियो मांग रहा है। अच्छा, इसने टोटल प्रेशर जो दिया है 120 दिया है, सारे के सारे एमएम ऑफ एचजी में है, ठीक है, इसमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इसको एटमॉस्फेयर में चेंज करने की, दोबारा बता रहा हूं, यहां पे ये है टोल्यूइन का पीपी लिख रहा हूं, इट इज गिवन एज 50 और पीबी इज गिवन एज 150 है, ठीक है, बेंजीन एंड टोल्यूइन, तो मैंने इनको टी और बी से यहां पे सबस्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट कर दिया, और कोई इंफॉर्मेशन, नो मोर इन्फॉर्मेशन इज गिवन। अभी पहले तो ये हमसे पूछ रहा है मोल रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, मोल रेशियो पूछ रहा है, तो मोल रेशियो का तो अभी हमने मोल रेशियो का तो अभी हमने देखा था कि हम इससे निकाल सकते हैं कि वाई ए अपॉन वाई बी, तुम कहोगे सर ये तो मोल फ्रैक्शन का रेशियो है, अगर तुम मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकाल लोगे तो यही रेशियो तो तुम्हारे मोल्स का भी रेशियो होगा, वेपर फेज में जो मोल्स होंगे ए, सॉरी ए नहीं, इसमें टी कर देते हैं, वाई टी अपॉन वाई बी, ठीक है, तो टी और बी का जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होगा इन दी वेपर फेज, वही उसके मोल्स इन दी वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है, तो ये दिया है कि नहीं, ये तो अभी हमने देखा था, हालांकि हमने जो यूज किया था वहां पे वो एन ए अपॉन एन बी यूज किया था, यहां पे हमें एन ए और एक्स ए कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन हम ये यूज कर सकते हैं, तो इसका एक शॉर्टर तरीका दिखा रहा हूं, इसकी निंजा टेक्निक क्या है भाई, तुम इसको और इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे करोगे, याद होगा तुम्हें कल मैंने बताया था, कल या परसों में मैंने बताया था कि अगर मान लो एक्स ए एक्स बी क्यों लिखना है, मैं एक्स टी लिखना है, अगर गलती से कहीं पे मैं जैसे ये यहाँ पे भी छोड़ दिया, तो इसको करेक्ट कर लेना अगर बाय चांस मैं गलती से लिख दूं तो, ठीक है, तो एक्स टी विल बी इक्वल टू, याद होगा ये फॉर्मूला, निंजा टेक्निक मैंने जो सिखाई थी, क्या थी भाई, पी टोटल माइनस, देखो टी की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे किसको माइनस करेंगे, पी नॉट बी को अपॉन पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, कितना हो जाएगा ये, पी कितना है टोटल 120 और ये कितना है पी नॉट बी 150 अपॉन, ये कितना है भाई, पी नॉट ए है पी नॉट ई नहीं सॉरी पी नॉट टी 150 सॉरी 150 है तो माइनस 150 यहाँ कितना आएगा 30 अपॉन 100 आ जाएगा, ये कितना आएगा 3/10, तो जो x a अगर ये x t अगर ये है
तो एक्स बी कितना हो जाएगा, एक्स बी विल बी इक्वल टू 7/10, हाँ है ना, ये क्लियर है ना, 7/10 हो जाएगा, ठीक है जी। तो वाई टी अपॉन वाई भी निकाल लेते हैं, वाई टी अपॉन वाई भी निकाल लेते हैं, इसको मिटा दो या फिर इधर निकाल लेते हैं, छोड़ो, ठीक है, वाई टी अपॉन वाई भी निकालना है, तो पी नॉट टी कितना है, वाई टी अपॉन वाई बी इक्वल्स टू पी नॉट टी इज पी नॉट सॉरी ये पी नॉट टी है भाई, पी नॉट टी इज 50 इंटू एक्स टी कितना है इसका 3/10, और ये कितना है 150 इंटू 7/10, ये आ रहा है इसका कि नहीं, ठीक है जी, ये कितना हुआ 3, 10 से 10 गया, 3 से 3 गया, तो ये कितना जाएगा 1/7, तो मूल रेशो क्या हुआ, वाई टी इज टू वाई बी इक्वल्स टू 1:7, ठीक है। तो दिस इज अ स्मार्टर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि तुम दूसरे तरीके से नहीं कर सकते थे, तुम कर भी सकते हो और आंसर आ भी जाएगा, बट दैट इज अ वे इन विच यू माइट मेक मिस्टेक्स, मोर मिस्टेक्स देन यू नीड टू, ठीक है जी। ओके, नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, ठीक है जी, ओके, ये उतार लेना भाई, नोट दिस डाउन, ठीक है। इसमें बोल रहा है हमारे पास एक सोल्यूशन है ए प्लस बी, ठीक है, इसमें हमें पी नॉट कितना दिया, देख पी नॉट ने पी दिया है, ठीक है, एक सोल्यूशन ए प्लस बी, पी जो टोटल दिया है दैट इज 400, और क्या है, वाई ए हमें दिया है कितना है, वाई ए 0.45 एंड वाई बी इज इक्वल टू, भाई वाई ए दिया है तो वाई बी कितना हो जाएगा 0.55, अच्छा एक्स ए हमें साथ में दिया है, एक्स ए हमें दिया है 0.65, तो एक्स बी कितना आ जाएगा 0.35, ठीक है जी। तो हमें एक्स ए और वाई ए दोनों दिया था, तो उससे एक्स बी वाई बी दोनों निकल जाएगा, ठीक है। और कुछ क्या पूछा है हमसे, क्या पूछा है, पी नॉट ए पूछा है क्या, ठीक है, तो हमसे पूछा है इसमें पी नॉट ए और पी नॉट बी निकालना है, इसको मिटा रहा, इसमें हमसे पूछा है पी नॉट ए और पी नॉट बी, ठीक है जी, इसमें पूछा है पी नॉट ए एंड पी नॉट बी सिंपल, ठीक है, पी नॉट ए और पी नॉट बी, तो देखो आंसर कैसे करेंगे इसको भाई, वाई ए इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए अपॉन पी टी, या पी पी टी नहीं लिख रहा, पी लिख रहा हूँ, कहीं कहीं पे तुम देखोगे बुक्स में पी एस या पी टी नाम से भी होता है, ठीक है, तो जैसे भी हो वो कर लो। तो यहाँ पे क्या है, एक्स ए दिया है हमारे, एक्स ए और वाई हमारे पास है, पी हमारे पास है, पी नॉट ए निकल जाएगा, सिंपल था, पी नॉट ए इक्वल टू वाई ए इंटू पी अपॉन एक्स ए, ठीक है, वाई ए कितना है 0.45 इंटू पी कितना है 400 अपॉन एक्स ए कितना है 0.65, ठीक है। तो अगर तुम देखो तो यहाँ कितना जाएगा, ये 9/13 इंटू 400, ठीक है, ये निकल जाएगा। और इसी तरीके से पी नॉट बी अगर तुम देखोगे तो इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू वाई बी इंटू पी अपॉन एक्स बी विच इज इक्वल टू 0.55, ठीक है, इंटू पी 400 अपॉन कितना है एक्स बी 0.35, तो दिस विल कम आउट टू इक्वल टू 11/7 इंटू 400, ठीक है, आर वी क्लियर। अच्छा एक चीज मेरे को बताओ, यहाँ एक्स ए और एक्स बी में एक्स ए ज्यादा था एक्स बी कम था, लेकिन यहाँ पे ज्यादा हो गया वाई बी, ठीक है, तो हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं इससे, इस अगर तुम इसको ऑब्जर्व करो क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हो, तुम ये इन्फ्रेंस डेफिनेटली निकाल सकते हो कि भाई इसमें जो पी नॉट बी होगा वो डेफिनेटली ज्यादा होगा पी नॉट ए से, मतलब बी इज मोर वॉलेटाइल देन ए, पहली चीज तो ये, ठीक है। दूसरा चीज है, अगर तुम ध्यान से देखो, ये कम दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू कितना 13 है ना, ये आएगा 3600 अपॉन 13, तो 2 और 100 और 9 7, तो 277 के आसपास कुछ आ जाएगा,
ठीक है। अच्छा टोटल कितना दिया है 400, तो इसका मतलब जब टोटल वाला 400 है तो पी नॉट बी को डेफिनेटली 400 से ऊपर होना पड़ेगा। तो ऐसा होगा अगर तुम्हें कोई ऑप्शन दिए हो जिसमें ए जो पी नॉट ए है वो 277 आ रहा है, तो तुम्हें दो तो दिख गए, ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कह रहा हूं अगर तुम्हें 277 वाले दो ऑप्शन दिख गए, एक में पी नॉट बी 400 से कम दिया है, एक में पी नॉट बी 400 से ज्यादा दिया है, तो तुम किसको चूज करोगे? पी नॉट बी जिसमें ज्यादा दिया है उस ऑप्शन को चूज करोगे, ये तुम्हें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू वॉन्ट हैव टू वेस्ट योर 20 सेकंड्स ऑन दिस, कंसिडरिंग की तुम्हारी कैलकुलेशन जो है वो 20 सेकंड्स में पूरी हो जाए। ठीक है, ओके इसको मिटा देता हूँ। ओके इज देयर एनी इन केस ऑप्शन ब्ला ब्ला ब्ला, हाँ ठीक है भाई। एक और है हमारे पास में विच इज सिंपल क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है तुम्हारे पास, क्वेश्चन क्या है कि पी नॉट बी बेंजीन, ठीक है पी नॉट बी बेंजीन जो दिया है वो 75 दिया हुआ है, और पी नॉट टी टॉलवीन जो दिया है वो 22 दिया है, ठीक है। अच्छा एक चीज, चलो ठीक है इसको पहले एक क्वेश्चन कराते फिर वो चीज भी ऑब्जर्व करवाएंगे तुमसे। इसमें जो तुम्हें मास या वेट ऑफ बी दिया है दैट इज 23.4 ग्राम्स दिए हैं किसके, बी के, और डब्ल्यू टी कितना दिया है 64.4 ग्राम ऑफ टॉलिन, ठीक है जी। तो ये हमसे वाई बी एंड वाई टी पूछ रहे, ठीक है जी। कैसे करोगे, ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बस ये है कि इसमें इसने एन ए नहीं दिया, ठीक है इसमें मैं पी नॉट बी पी नॉट टी डाल दिया, ठीक। तो वाई बी और वाई टी हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहले किया था। तो वाई बी अपॉन वाई टी ये रेशो में निकाल सकता हूँ गिवन बाय दिस, और फिर मैं इसको निकाल सकता हूँ। कैसे करते देखो, आंसर डब्ल्यू बी है तो हमें एन बी निकालना पड़ेगा, तो एन बी इक्वल टू क्या आएगा, एन बी इक्वल टू इन एनी केस एन बी तो हमें चाहिए चाहिए कोई सा भी तरीका तुम अपनाओ, 23.4 अपॉन 78, ये तो पता है ना भाई 78, ठीक है 78 में कितना आएगा, ये ऑलमोस्ट तो ये आती है 24, ये 0.3 के आ जाएगा, ठीक है करके देखोगे 0.3 आएगा। एन टी इक्वल्स टू ये कितना है 64.4 अपॉन इसका होता है 92, ठीक है एक सी एच टू बढ़ जाता है बेसिकली, सी एच टू का मतलब 14, इसमें 14 ऐड करते 92 आएगा, तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 7.7 आ जाएगा ये, हाँ ठीक है 0.7 आएगा भाई ये, हाँ ठीक है ये आएगा। अभी तुम्हारा एन बी और एन टी आ गया, अब बहुत सारा लंबा काम नहीं करना है, अब छोटा छोटा काम करेंगे। छोटा छोटा काम क्या करना है, छोटा छोटा काम है ये वाई बी अपॉन वाई टी इक्वल्स टू ये याद है फॉर्मूला अभी लिखवाया था मैंने, पी नॉट ए एन ए सॉरी पी नॉट एन ए पी नॉट बी एन बी अपॉन पी नॉट टी इंटू एन टी हो गया था ना। पी नॉट बी दिया है 75, पी टी 22 दिया है क्या, ठीक है पी टी 22 दिया भाई, ये 75 हो गया इंटू कितना है ये 0.3 अपॉन, देखो इसके मोल्स का रेशियो भी 0.3:0.7 है, अगर तुम इसका मोल फ्रैक्शन लोगे ना उसका रेशियो भी यही आएगा, क्योंकि अगर तुम 0.3:0.7 को ऐड करोगे तो वो 1 के इक्वल आता है, ठीक है। पी टी पी नॉट टी कितना है 22 इंटू ये कितना हो गया 0.7, बस कर लो इसको। यहां से जो भी आएगा तुम्हारा, यहां से जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो वाई बी और वाई टी का रेशियो आ जाएगा। वहां से तुम्हें निकालने का तरीका क्या बताया मैंने, वाई बी निकालोगे तो न्यूमरेटर रखोगे अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, वाई टी निकालोगे तो डिनोमिनेटर रखोगे ऊपर और नीचे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ठीक है ये तुम कर लेना, कैलकुलेशन ही बची है बाकी और कुछ बचा नहीं है इसमें, ठीक है। तो ओके नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, लेट्स सी इफ वी हैव समथिंग गुड इन इट, ठीक है जी। इसमें क्या है तुम्हें टॉलवीन और जाइलिन दिया है, ठीक है तो जाइलिन यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कौन सी जाइलिन है, ठीक है जाइलिन बहुत डेंजरस होती है भाई ये ध्यान रखना, इट इज पॉइजनस। क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास दिया है टॉलवीन, ठीक है और तुम्हें दिया है
जाइलीन। अच्छा जाइलीन क्या होता है, बेसिकली एक CH3 और लगाना है। तो अगर ये याला कौन सा है, ये ओ जाइलीन है, यानी अगर यहाँ लगी होती CH3 एम जाइलीन, ये यहाँ लगा होता तो पी जाइलीन हो जाता, लेकिन इसमें कुछ मेंशन नहीं है तो मैं ऐसा कुछ लिख भी नहीं रहा हूँ। इसमें हमने सिर्फ उसके मोलर मास और उसके कहते हैं प्रेशर से, वेपर प्रेशर से मतलब है। तो इसमें क्या दिया है हमें, पी नॉट टी इक्वल्स टू दिया है 400 और पी नॉट एक्स जो दिया, एक्स मतलब जाइलीन जो दिया है वो दिया है 150। ठीक है जी, ओके। और पी नॉट टी इक्वल टू 400 और पी नॉट एक्स इक्वल टू 150 और पी टोटल जो दिया है वो 380 दिया हुआ है, और उसने सीधा सीधा हमसे क्या पूछा है, एक्स टी एंड एक्स एक्स। ठीक है, यह समझ लो सिर्फ उसने एक्स टी पूछा है। एक्स टी निकालने का तरीका मैंने पहले भी बताया था, सिंपल वही निजी टेक्निक, p माइनस पी, देखो t की बात हो रही है तो p नॉट x अपॉन p नॉट t माइनस p नॉट x कितना आएगा, 380 माइनस 150 अपॉन 400 माइनस 150 ये आएगा 230 अपॉन 250.92। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं x x करना चाहूँगा तो 0.08 आ जाएगा। दिस इज योर, ठीक है, क्लियर है, ओके। नाउ दीज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। ठीक है, छोटी छोटी टेक्निक्स थी, जा छोटी छोटी ट्रिक्स थी जो मैंने सिखा दी, अब क्या करना है तुमको, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली मूव फर्दर। नाउ इसको हमने, वी हैव शोन दिस, लाइक उसकी कैलकुलेशंस तो कर ली, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने नहीं देखा, तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको वो देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसमें सब जगह ये आएगा कि भाई उसकी इक्वेशन होगी और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी होगी या करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चंस आए हैं इस पे। ठीक, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, देखो भाई हमारे पास 1 अपॉन पी इक्वल्स टू पी सॉरी वाई ए अपॉन पी नॉट ए सॉरी पी नॉट ए अपॉन वाई ए सॉरी कितना है पी नॉट वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट। हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें हमारे पास P टोटल प्रेशर और A वाई ए या वाई बी के बारे में साथ रिलेशनशिप है। ठीक है, तो हमने देखा था जब राउल्ट्स लॉ से हमें रिलेशनशिप आई थी तो कैसी थी वो, यहाँ पे अगर मैंने एक्स ए को प्लॉट किया था तो ये था 0, ये था x इक्वल टू 1। ठीक है, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ x के रिस्पेक्ट में बना रहा हूँ, और इधर जो हमने y एक्सिस पे प्लॉट किया था वो p था। ठीक, तो जब x इक्वल टू 0 है तो सिर्फ b प्रेजेंट है, तो मतलब क्या था, p नॉट b प्रेजेंट था, तो p नॉट b वाज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, और जब सिर्फ और सिर्फ a प्रेजेंट था तो सिर्फ a प्रेजेंट था तो सिर्फ जो वेपर प्रेशर आएगा वो प्योर a वाला। ठीक है, और जो P था, P was varying between these two points. ठीक है, तो it was a straight line graph. ये किसकी बात कर रहा हूँ? जब हम XA, which is mole fraction of A in the liquid phase, और vapor pressure of the solution के बारे में या उनके बीच में relationship देख रहे हैं. Clear होगी बात? Now, if I do this same thing with these. ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पे y a को प्लॉट किया है। ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, ओके, और यहाँ पे मैं p को प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, p को प्लॉट कर रहा हूँ, तो तुम ध्यान से देखो अगर, तो यहाँ पे जो p है वो डिनोमिनेटर में है और जो x एक्सिस पे वो न्यूमरेटर पे है, तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी आ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। सिंपल सी बात है, इट विल नॉट बी आ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है जी, इट डेफिनेटली विल बी अ कर्व। अब वो कैसा कर्व होगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो उसको प्लॉट करने के लिए कोशिश करते हैं, इसको मिटा दो। अगर तुम y a इक्वल टू 0 डाल दो, यहां पे अगर हम देखें 1 अपॉन p इक्वल टू y इक्वल टू तुमने 0 डाला तो यानी टर्म 0 हो गई, तो 0 प्लस, अच्छा जब y a इक्वल टू 0 हो गया तो y b क्या हो गया,
y भी इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 अपॉन p नॉट b आ जाएगा। हम कह सकते हैं p इज इक्वल टू p नॉट b कब होगा, एट y a इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां पर जो पॉइंट होगा वो ये कुछ होगा p नॉट b, ठीक है, क्लियर हो गई बात। दिस इज द पॉइंट p नॉट b, गॉट इट। अगर नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है उसको देखते हैं, दैट इज 1, y इक्वल टू 1 तो y भी इक्वल टू 0 हो चुका होगा, तो 1 अपॉन p इक्वल टू 1 अपॉन p a p नॉट a प्लस, ये तो 0 हो गया, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, p इक्वल टू p नॉट a, p इक्वल टू p नॉट a, ठीक है जी। तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे ये कुछ यहां पे होगा। तो देखो अगर तुम ध्यान से इससे पहले जो मैंने प्लॉट किया था ग्राफ, उसमें भी जो दो लिमिट्स थी वो क्या थी, पी बी और पी नॉट बी और पी नॉट ए, ठीक है, लेकिन यहां पे स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, यहां पे एक कर्व होगा, ठीक है, इट विल बी अ कर्व लाइक दिस, ठीक है जी, ओके। नाउ एक बार एक क्वेश्चन पूछ, मतलब किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर कर्व है तो यही वाला कर्व क्यों है, ये वाला कर्व क्यों नहीं है, ऐसे ऊपर उठ के कर्व क्यों नहीं है, ठीक है, तो इसका जवाब क्या है, देखो भाई जब सिर्फ b है यहाँ पे, तुमने a डालना शुरू, मतलब y बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो तुम्हारा सॉल्यूशन में लिक्विड में a होगा वो तुमने थोड़ा थोड़ा डालना शुरू किया होगा, है ना, तभी तो y आना भी शुरू हुआ है। तो जब तुम a थोड़ा थोड़ा डालना शुरू करोगे तो जो b के या जो वेपर प्रेशर में चेंज आएगा वो थोड़ा तो चेंज आएगा ना, मतलब लाइक द चेंज द रेट ऑफ चेंज विल बी लो, इसलिए इसका स्लोप कम है। लेकिन जब ए का कॉन्सेंट्रेशन इन द लिक्विड फेज एंड दैट्स व्हाई द ए का कॉन्सेंट्रेशन इन द वेपर फेज बढ़ गया है, अभी 50% या 60% के आसपास आ गया है, तो अब तुम ए थोड़ा सा भी ऐड करते हो तो उस वक्त रेट ऑफ चेंज ऑफ वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर इज हाई, यहाँ पे स्लोप भी हाई है। तो इस तरीके से, इस तरीके से इस वजह से नहीं है क्योंकि एग्जैक्टली उल्टा उल्टा रिप्रेजेंटेशन हो जाता कि जब हमने ए को जस्ट डालना शुरू किया है तो द स्लोप इज हायर, और जब हम ए को ज्यादा डाल चुके हैं तो द स्लोप इज लोअर। यहाँ पे जो स्लोप है ग्राफ का लोअर है, यहाँ पे जो स्लोप है ग्राफ का वो हायर, तुम ये देख सकते हो, यहाँ पे यू कैन सी दैट द स्लोप इज लोअर, यहाँ पे जो स्लोप होगा वो हायर होगा, क्लियर है। तो बस तुमको ये देखना है कि जब हमने ए को डालना शुरू किया है तो उस वक्त जो वेपर प्रेशर में चेंज आएगा वो डेफिनेटली लो होगा, और जब यहाँ पे हम ए को अगर डाल रहे हैं तो वेपर प्रेशर में जो चेंज आएगा दैट विल बी हायर, क्लियर हुई बात। तो राइट दिस डाउन, ठीक है, ओके, क्लियर। अच्छा जी, ये तो तुम्हारा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये फर्स्ट पार्ट था विच वाज बिटवीन पी वर्सेस वाई ए, दिस ग्राफ वाज पी वर्सेस वाई ए, ठीक है। अभी मैं इसको मिटा देता हूं, अभी सेम इक्वेशन लिखो 1 अपॉन p, और इस बारी हम जो ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं दैट इज बिटवीन 1 बाय p वर्सेस y, ठीक है जी, 1 बाय p वर्सेस y, ठीक है। तो इस बारी p नहीं है, 1 बाय p है, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो y एक्सिस पे क्या प्लॉटेड है, दिस, तो दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग y ओवर हियर, और यहाँ पे ये तो y है विच इज रिप्रेजेंटिंग x। तो अगर तुम देखो y और x दोनों के दोनों न्यूमरेटर में है, ठीक है, तो दोनों के दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन की रिलेशनशिप है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू 1 बाय p नॉट y, 1 बाय p y a प्लस समथिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, या इन टर्म्स ऑफ y b इनटू p नॉट b। तो बेसिकली दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन, और इसमें भी अगर तुम देखो तो y a इक्वल टू 0 है, y a इक्वल टू 0 है, तो 1 बाय p इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 बाय p नॉट b। अच्छा, इसमें उल्टा हो जाएगा, सॉरी, इसमें उल्टा हो जाएगा, क्यों उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मैंने अज्यूम किया था कि a इज मोर वोलेटाइल देन b, तो p नॉट a वाज मोर देन p नॉट b, तो जब मैं 1 बाय p नॉट करूंगा तो
सॉरी 1 बाय पी बी नॉट करूंगा तो ज्यादा होगा और 1 बाय पी ए नॉट जो होगा वो कम होगा. इट विल बी समवट लाइक दिस. यहाँ पॉइंट कौन सा होगा? 1 अपॉन पी बी नॉट, ये होगा 1 बाय पी बी नॉट और दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो क्लियर है ना? सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें. यही अगर तुम देखो, दिस इज रिप्रेजेंटिंग y एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग x, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. ठीक है जी. ओके, ये तो तुम्हारा 1 बाय पी वर्सेस y हो गया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको मिटा रहा हूं. चलो तुम इसको नोट डाउन करो, मैं न्यू वाली भी आऊंगा. ठीक है, इसे मिटा दूं. ओके, नाउ यहां पे हम जो रिलेशनशिप देखेंगे, वी विल सी इट बिटवीन दीज टू टर्म्स. 1 बाय एक्स ए वर्सेस 1 बाय वाई ए. ठीक है, 1 बाय एक्स ए वर्सेस 1 बाय वाई ए, ये हम रिलेशनशिप देख रहे हैं. ठीक है, तो अभी अगर तुम्हें याद होगा तो तुमने एक फॉर्मूला लिखा था विच वॉज वाई ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी. तुम ध्यान से देख सकते हो दैट देयर इज अ स्ट्रेट लाइक डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एक्स है. तो इसे देखकर तुम कह सकते हो सर अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एक्स ए इज इक्वल टू पी नॉट अपॉन पी इंटू 1 अपॉन वाई ए. तो ये एक्स एक्सिस पे, सॉरी ये वाई एक्सिस पे हो गया, ये एक्स एक्सिस पे अगर हो गया तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए? दे विल बी डायरेक्टली रिलेटेड, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो दिस शुड बी अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर जो p है दैट इज नॉट कॉन्स्टेंट, दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन a. ठीक है ना, x है, सॉरी नॉट a, x है, इस पर डिपेंडेंट है भैया, तो तुम ऐसे नहीं कर सकते इसको. गॉट इट? यू कैन नॉट डू इट लाइक दिस. ठीक है, यू कांट डू इट लाइक दिस. अभी इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं. तुम इसको p को जो है इसको तुम खोल दो तो कैसे आएगा? इस वाले को मिटा रहा हूं. हम कैसे लिख सकते हैं इसको? 1 बाय एक्स ए, सॉरी 1 बाय वाई ए इक्वल्स टू पी अपॉन पी नॉट ए एक्स ए, ऐसे करके लिख सकते हैं इसको. इसी को मैं यू करके इसका रेसिप्रोकल कर लो, मतलब इसको जस्ट तुमने रेसिप्रोकल कर दिया. ठीक है, अभी तुम इसको खोल दो तो क्या आएगा? पी नॉट ए एक्स ए, या एक्स ए के टर्म्स में लिखना है तो पी एक्स ए के टर्म्स में, याद आ रहा है क्या होता है? पी एक्स ए के टर्म्स में होता है पी नॉट बी प्लस, नहीं पी नॉट ए, नहीं वो एक्स बी के टर्म्स में होता, सॉरी पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट b into x a. This is the formula. ये याद होगा तुम्हें. और p not a x a. ये नीचे आ जाएगा. तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको? p not b upon p not a into 1 upon x a आ जाएगा. प्लस ये कितना, ये क्या आएगा? x a से x a कट गया, यहाँ आएगा p not a minus P not B upon P not A. Are we clear? और मैंने किसके बीच में बोला है? XA versus 1 by XA versus 1 by Y. मतलब ये Y axis पे होगा, Y versus X. ये Y axis पे, ये X axis. तो इसका मतलब हमें 1 by XA को in terms of Y भी निकालना पड़ेगा, YA निकालना पड़ेगा. तो मैं इसको इधर ले आता हूँ. तो मैं क्या लिख सकता हूँ? P not B upon P not A into 1 upon xa equals to, ये क्या आएगा? 1 upon ya minus p not a minus p not b upon p not a. क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब मैं इसको p
पी नॉट ए से मल्टीप्लाई कर दो, पी नॉट बी से डिवाइड कर दो, तो क्या जाएगा 1 upon xA इज इक्वल टू पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इंटू 1 upon yA माइनस, ठीक है, पी नॉट वन अपॉन, और इसको ऊपर ले जाऊंगा तो पी नॉट ए से पी नॉट ए कट जाएगा, दिया जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी अपॉन पी नॉट बी. So this is your expression between 1 upon xA and 1 upon yA. ठीक है जी, ये तुम्हारा expression आ गया. Got it? ज़्यादा सोचना नहीं है और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि तुम एकदम से याद ही रखो इसको, ठीक है? लेकिन हाँ, याद रहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि question आ सकता है और graph के ऊपर भी question है, कुछ questions मैं दूंगा तुम्हें graph के ऊपर, तो जो final तुम्हारा graph आएगा, it will be somewhat like this. ठीक है, इसमें 1 by yA जो है that is being plotted on the x-axis and 1 by xA is being plotted on the y-axis and the graph will be somewhat like this. ठीक है, this will be p naught, ये 1 by xA. ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा ग्राफ होगा. क्लियर है? तो तुम इसके बेसिस पे क्या कर सकते हो, तुम इसके बेसिस पे अपना इसका इंटरसेप्ट निकाल सकते हो और इसका स्लोप निकाल सकते हो. ठीक है, ये क्वेश्चंस कुछ कुछ आ सकते हैं और आए भी हैं. ठीक, एटलीस्ट मैं तो दूंगा. ठीक है जी, हाउ मच टाइम हैज पास्ड? ओके, एक घंटा ऑलरेडी हो गया. लास्ट चीज हम देखेंगे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझ डाला तो लाइव जिंगल डाला, क्योंकि जो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका एक तरीके से क्रक्स है, उसका एक समरी है जो हम पढ़ने वाले हैं अभी. ठीक है, इसको मिटा रहा हूं पूरा का पूरा. ठीक है, लेट्स से वी हैव अ ग्राफ लाइक दिस. ठीक है जी, इधर पे हमारा वेपर प्रेशर, जो टोटल वेपर प्रेशर है वो है. ठीक है, दिस पॉइंट इज पी नॉट ए. ठीक है जी, एंड दिस पॉइंट इज पी नॉट बी. ठीक है, सेम उसी की तरीके से ये तो तुम्हारा ग्राफ है किसका, लिक्विड फेज से. किस, अगर हम यहां पे प्लॉट कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, ये फर्स्ट वाले के लिए है. ठीक है जी, अगर मान लो मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, ठीक है जी, ये ब्लैक वाला है, और जो ग्रीन वाली है जो कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, वो क्या होगी, इट विल बी एग्जैक्टली द सेम बट विद दिस. ठीक है, कर्व्ड हो गई है, कितना क्लियर है, ये कर्व्ड रहेगा ऐसे. ठीक, तो जो तुम्हें मैंने बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट बताया था उसके बेसिस पे इसको समझने की कोशिश करते हैं. देखो यहां पर सबसे पहली जो चीज जो समझने वाली है कि लिक्विड वेपर का जो इक्विलिब्रियम है वो सिर्फ और सिर्फ इस रेंज में जो यहां पे दिख रहा है इसी रेंज में एग्जिस्ट करेगा. क्लियर ये बात, दोबारा बोल रहा हूं, जो लिक्विड वेपर फेज या इक्विलिब्रियम है वो एक साथ इसी के अंदर लाई करेगा. इसके ऊपर जो होगा, ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर जो होगा ओनली लिक्विड होगा, और जो ग्रीन लाइन के नीचे होगा ओनली वेपर्स होंगे. ठीक है जी, इस पॉइंट पे तुम्हारा बीपी आएगा और इस पॉइंट पे तुम्हारा, मतलब ब्लैक वाले जो ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन है उस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उस लाइन का, उस वेपर का या जो भी वो सॉल्यूशन है उसका बबल पॉइंट होगा, और ये वाला जो होगा इसका ड्यू पॉइंट होगा. तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. देखो भाई, अगर तुम्हें लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो तुम क्या करते हो, प्रेशर को डिक्रीज करते हो ना. ठीक है, तो लेट्स सी कि हमने एक लिक्विड लिया. ठीक है, ये प्रेशर हमने इतना हाई रखा हुआ है, टोटल प्रेशर जो है जो सॉल्यूशन के ऊपर वो प्रेशर हमने इतना हाई रखा हुआ है, लेट्स से दैट पॉइंट इज ए. तो ए पे क्या है, ए
ए पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये ओनली लिक्विड, तो ओनली ओनली लिक्विड इज प्रेजेंट एट इट, ओनली लिक्विड स्टेट इज प्रेजेंट प्रेजेंट एट ए. क्यों? क्योंकि जो याद होगा तुम्हें, मैंने जो पांच अलग अलग बॉक्सेस बना के या कंटेनर्स बना के मैंने बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट समझाया था, उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले हमने जो पिस्टन है वो जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड रखा हुआ है विद प्रेशर, तो उससे क्या हुआ, नो वेपर एट दैट पॉइंट हैड फॉर्म्ड, तो प्रेशर हाई रहेगा तो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा और फिर कोई वेपर प्रेजेंट नहीं होगा. ठीक है, अब जो काम करना है वो ये है, प्रेशर को डिक्रीज करना है. प्रेशर को डिक्रीज कैसे किया था हमने वहां पे, हमने पिस्टन को उठाना शुरू किया था. जैसे जैसे हमने पिस्टन को उठाना शुरू किया तो वहां पे प्रेशर कम होने लगा, जो उसके ऊपर प्रेशर था वो कम होने लगा, तो वहां पर एक पॉइंट आया था जिसको हमने कहा था बबल पॉइंट, जहां पे पहला वेपर बनना शुरू हुआ था. तो जैसे जैसे तुम प्रेशर को डिक्रीज करते चलोगे तो एक धीमे धीमे, अभी जब तक प्रेशर एक पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर है तब तक वेपर नहीं बनेगा, बट जैसे उसने ये पर्टिकुलर पॉइंट हिट किया इस ग्राफ पे, तो यहां पर बबल पॉइंट आया और इस बबल पॉइंट पे, ठीक है, मोस्टली क्या, ऑल लिक्विड बट फर्स्ट वेपर स्टार्ट्स फॉर्मिंग. ठीक है, इसी पूरी थ्योरी में बोल नहीं रहा हूं या लिखवा नहीं रहा हूं सॉरी, तो जो मैं बोला जो समझाया वो कॉपी में लिखना है, वो कॉपी में लिखना है. जैसे यहां पे मैंने क्या बताया, ए से बी के बीच में हमने क्या स्टेप लिया, वी रिलीज द प्रेशर, वी रिड्यूस द प्रेशर बाय ब्रिंगिंग अप द पिस्टन. ठीक है, वो पॉइंट लिख लेना स्टार्ट फॉर्मिंग. तो ये कौन सा पॉइंट हुआ, दिस इज बबल पॉइंट. नाउ ये पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे पहला वेपर बनना स्टार्ट हुआ है. अगर मैं प्रेशर इसे थोड़ा सा और कम कर दूं, जैसे यहां पे किया मैंने, ठीक है, लेट से दिस इज पॉइंट सी, लेट से दैट दिस इज पॉइंट सी, तो ये पॉइंट सी क्या होगा, यहां पर लिक्विड प्लस वेपर बोथ आर प्रेजेंट. ठीक है, तो अगर दोनों के दोनों प्रेजेंट है तो लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर्स, और यहां पे हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ, हाँ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कह सकते हैं. क्लियर हो गई बात, ठीक है जी. अब हमने फर्दर इसको रिड्यूस किया, इसके वेपर सॉरी इसके प्रेशर को फर्दर रिड्यूस किया. रिड्यूस करते करते क्या हुआ, जितना जो लिक्विड था इट विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग, और एक पॉइंट आएगा कि जब ऑलमोस्ट सारा का सारा जो लिक्विड है वो इवेपोरेट हो चुका होगा. तो लेट से दैट दैट पॉइंट इज डी. ठीक है, तो डी पॉइंट कौन सा हुआ तुम्हारा, ड्यू पॉइंट. यहां पे क्या है, ऑल वेपर विद लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इवेपोरेट, लास्ट ड्रॉप बची होगी ना वो जस्ट इवेपोरेट हो रही होगी, उस पॉइंट को हम ड्यू पॉइंट कहेंगे. अभी यहां पे ऑलमोस्ट 100% वेपर है. क्लियर होगी बात, ठीक. अच्छा, अगर फिर भी हमने प्रेशर फर्दर डिक्रीज कर दिया तो जो बचा खुचा लिक्विड भी था, वो एक बूंद थी, वो भी इवेपोरेट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट वेपराइजेशन इस पॉइंट पे क्या होगा, ऑल वेपर नो लिक्विड. ये आएगा, ठीक है. तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट को तुम डी कह सकते हो, इस पॉइंट को तुम ई कह सकते हो. यहां पे ओनली वेपर है, यहां पे जस्ट 100% वेपर ऑलमोस्ट आ चुका है, यहां पे 100% लिक्विड है और वेपर बनना शुरू हुआ है, यहां पे 100% लिक्विड है, नो वेपर एट ऑल. और इस पॉइंट ये जो ड्यूरेशन यहां से लेकर यहां तक, ये जो पूरा पार्ट है, यहाँ पे लिक्विड और वेपर दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं रिलेटिव अमाउंट में, किसी में ज्यादा लिक्विड हो सकता है कम वेपर हो सकता है, किसी में ज्यादा वेपर कम लिक्विड हो सकता है, डजंट मैटर, लेकिन दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे. तो जो पूरा का पूरा हमने
सॉल्यूशन सॉल्यूशन जो पढ़ा है वोलेटाइल सॉल्यूट्स का, मतलब वोलेटाइल सब्सटेंसेस का, वो इस रेंज में लाई करेगा। तो उसमें एक लाइन लिख लो लास्ट वाला, द सॉल्यूशन इन विच या वेपर्स एंड लिक्विड स्टेट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ volatile substances exists between these two graphs, ठीक है, पहली चीज ये। और सेकेंड चीज क्या है कि अगर मान लो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ वेपर्स हैं, ठीक है, और तुम्हें उन्हें कंडेंस करना हो तो तुम क्या करोगे, उसमें प्रेशर बढ़ाओगे। यहाँ पे लिक्विड टू गैस था ना, अगर तुम गैस टू लिक्विड आओगे तो तुमको प्रेशर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो तुम यहाँ कहीं पे होगे, बोथ ओनली वेपर्स आर प्रेजेंट, अब तुमने प्रेशर बढ़ाना शुरू किया तो फिर ड्यू पॉइंट आएगा तो फिर उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ाओगे तो देन देयर विल बी सम लिक्विड, सम कंडेंसेशन एंड देयर विल बी लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। देन और बढ़ाओगे तो वो पूरा का ऑलमोस्ट पूरा का पूरा लिक्विफाई हो जाएगा, और उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ाओगे तो प्योर लिक्विड में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट्स ओनली बिटवीन दीज टू ग्राफ्स, ठीक है। चलो फिर, तो ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमें जो पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी अ लिटिल अबाउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में टेम्परेचर कॉम्पोजिशन डायग्राम्स होते हैं, इसका तुम्हारा बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे मेंस और एडवांस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो लूंगा। जिसको लगता है कि इसके नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दे कैन स्किप इट। बट आई वुड सजेस्ट दैट ऑल ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इवन जेई मेंस और बिट्स एज वेल, तो वो सब नेक्स्ट वाले लेक्चर को देखें। चलो बाय बाय, टेक केयर।